कल दो दिन वास्ते सरकारी बैंकों की हड़ताल है, तो जिस लैके अब भारत नगर चौंक के भी तुम वेख सकते हो बैंक इंपलॉइज अज इकट्ठे होए हुए हैं। नारेबाजी जी है वह सरकार के खिलाफ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सारे बैंक इंपलॉइज जोड़े ने एकत्रित हुए हुए हैं, इकट्ठे हुए हुए हैं। अज तो कल की हड़ताल जी है वह इन्होंने ऐलान कर दी है। निजीकरण को लेकर इन्हों दंगा ने कि बैंक जोड़े वो निजीकरण ना किए जाते, उसके खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इतने बैंक इंपलॉइज जोड़े ने वह नज़र आ रहे हैं। तो वेख सकते हो कि किस तरीके के नाल बैंक जोड़े बैंक इंपलॉइज ने दो दिन की हड़ताल जी कह दी गई है। सो लगातार इदा ही हड़ताल चलती रहेगी। मैडम जिस तरह की असी एक छोटे जे नोटिस से दो दिन की स्ट्राइक की कॉल दी है, इन्होंने सानू सोमवार तो प्रेशराइज करना शुरू किया क्योंकि साड़ी सी एल सी की मीटिंग 14 तरीक नूं सी। इन्हां दे विच साडा कोई साडी इक्को ही डिमांड है भई सानू तुसी एक अश्योरेंस दिओ भी असी ये बिल पास नहीं करांगे जां बिल लैके नहीं आवांगे। सरकार वालों सानू कोई अश्योरेंस नहीं आई, जिस करके फिर इन्होंने सानू 15 तरीक नूं बुलाया भी असी तुहाडे नाल गल करनी चाहुंदे हां। जदों उस तों 4:30 बजे साडे नाल कोई डिसीजन नहीं होया, उस तों बाद सानू ये स्ट्राइक करनी पई है। असी ये कल्ली दो दिन की स्ट्राइक ही नहीं करांगे, अगे तो जे सानू इनडेफिनेट स्ट्राइक लई भी जाना पवेगा तो असी वो जरूर करांगे जरूर। प्राइवेटाइजेशन नूं लैके मंगा ने तुहाडियां पिछले कई बार भी तुसी जिहड़ी है वो इस तरीके नाल स्ट्राइक जिहड़ी है करदे आए हो, लगता है कि हुण कोई असर जिहड़ा सरकार नूं होवेगा? सरकार नूं देखो असर हुंदा ही आया ते अगे तो भी होए। जिस तरह के असी प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट हाँ, यह गल असी अपने इंपलाइज करके नहीं कह रहे, ये पब्लिक करके भी कर रहे हैं। तुसी प्राइवेट बैंकों जाके देखो साडे कोल जीरो बैलेंस अकाउंट खुलते हैं, कोई प्राइवेट बैंक कभी जीरो बैलेंस नहीं, मिनीम 10,000 उन्हों का बैलेंस है। आम जो गरीब बंदा वो कितों 10,000 की पूंजी लिया के इन्हों को अकाउंट कराएगा? तो सरकारी बैंकों प्राइवेट इसे करके करना चाहते हैं भी ये अपनी मनमर्जी लागू कर सकन, जदों की कोई भी सरकारी स्कीम होंगी है जिस तरह डीमोनेटाइजेशन है जां कोई और सरकारी स्कीम सी सबसिडीज़ ने वो सारिया साडे बैंकों के नैशनलाइज बैंकों के आदियां ने। इन्हां ने सिर्फ इन्हां दा यही मुद्दा इन्हां नूं वेच दिओ वेच दिओ वेच दिओ, जिस तरह की इन्हां दा सिस्टम चल रहा जिस तरह असीं पुर जोर नाल विरोध करते हैं करांगे तो करते रहांगे। अक्सर लोग बहुत सरकारी नौकरी वास्ते बहुत मेहनत करते हैं, बैंक के पेपर देने वास्ते बहुत मेहनत करते हैं, पर जे सब कुछ प्राइवेट हो गया तो नौकरियां इस सिस्टम दे नाल यही सरकार की मंशा है। देखो जो पढ़े लिखे बच्चे है साडे कोल जिन्ने भी बैंकों चाहते ने पढ़े लिखे होंदे हन पेपर दे के आते हैं मैरिट के विच हो के आते हैं, ये सरकार उ पुराने सिस्टम लागू करना चाहती है भी अपने रिश्तेदारों विच बैंक दे बिठा दिओ। तो जो साडा बेरोजगार होवे नौजवान, जे साडा बेरोजगार नौजवान होएगा तो देश की कित्थे जाएगी तरक्की? मैं उस चीज़ नूं असी इस चीज़ नूं लागू नहीं होने देना चाहते। प्राइवेटाइजेशन दे असी अगेंस्ट हाँ अगेंस्ट हाँ अगेंस्ट दवांगे। फिलहाल दो दिन की स्ट्राइक, इस तो बाद जेकर ना गल सुनी गई तो होर स्ट्राइक जी लंबी जा सकती है? जिस तरह के हूँ असी शॉर्ट नोटिस से दो दिन की स्ट्राइक की कॉल दी है तो तुसी साडा कट देख रहे हो। जे एक सरकार हजे भी अन्नी तो बोल ही रही तो असी इनडेफिनेट स्ट्राइक की कॉल देंगे, जिसनों कि साढ़े जो भी इंपलाइज ने उसनों 10 लाख इंपलाइज उसनों पुरजोर तरीके नाल लागू करावांगे। तो तुसी वेख सकते हो कि किस तरीके दे नाल केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगते हुए नज़र आ रहे हैं। कई मुलाजम जड़े ने बैंक दे वो इत्थे मौजूद ने, ते अज ते कल दो दिन दी सरकारी बैंक दी स्ट्राइक दसी गई है। तो मसला यही है कि प्राइवेटाइजेशन नूं लेके जिस तरीके नाल हर एक चीज़ प्राइवेट हो रही है उस नूं रोकदे होए केंद्र सरकार दे कन्नां तक आवाज़ पहुँचाई जा रही है इन्हां वल्लों कि बैंक नूं भी प्राइवेट ना किया जाए, तो सरकारी बैंक का लोगों भी काफ़ी मुनाफा है, इस करके सरकारी बैंक सरकारी ही रहन। कैमरामैन बॉबी देना मैं शिफाली दैनिक सवेरा टीवी लुधियाना। अज ते कल दो दिन वास्ते सरकारी बैंकों की हड़ताल है, तो जिस लैके अब भारत नगर चौंक के भी तुम वेख सकते हो बैंक इंपलॉइज अज इकट्ठे होए हुए हैं। नारेबाजी जी है वह सरकार के खिलाफ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सारे बैंक इंपलॉइज जोड़े ने एकत्रित हुए हुए हैं, इकट्ठे हुए हुए हैं। अज ते कल की हड़ताल
ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ बैंक जेडे बैंक इंप्लॉइज ने दो दिन की हड़ताल जी कह दी गई है, सो लगातार इदा ही हड़ताल चलती रहेगी। मैडम किस तरह की असी एक छोटे जे नोटिस से दो दिन की स्ट्राइक की कॉल दी है, इन्होंने सानू सोमवार तो प्रेशराइज करना शुरू किया क्योंकि साड़ी सी एल सी की मीटिंग 14 तरीक नूं सी। इन्हां दे विच साडा कोई साडी इक्को ही डिमांड है भाई सानू तुसी एक अश्योरेंस दिओ भी असी ये बिल पास नहीं करांगे या बिल लैके नहीं आवांगे। सरकार वालों सानू कोई अश्योरेंस नहीं आई जिस करके फिर इन्होंने सानू 15 तरीक नूं बुलाया भी असी तुहाडे नाल गल करनी चाहुंदे हां। जदों उस तों 4:30 बजे साडे नाल कोई डिसीजन नहीं होया उस तों बाद सानू ये स्ट्राइक करनी पई है। असी ये कल्ली दो दिन की स्ट्राइक ही नहीं करांगे, अगे तो जे सानू इनडेफिनेट स्ट्राइक लई भी जाना पवेगा तो असी वो जरूर करांगे जरूर। प्राइवेटाइजेशन नूं लैके मंगा ने थोड़ियां पिछले कई बार भी तुसी जिहड़ी है वो इस तरीके नाल स्ट्राइक जिहड़ी है करदे आए हो, लगता है कि हुण कोई असर जिहड़ा सरकार नूं होवेगा? सरकार नूं देखो असर हुंदा ही आया ते अगे तो भी होए। जिस तरह के असी प्राइवेटाइजेशन दे अगेंस्ट हाँ ये गल असी अपने इंपलाइज करके नहीं कह रहे, ये पब्लिक करके भी कर रहे हैं। तुसी प्राइवेट बैंकों जाके देखो साडे कोल जीरो बैलेंस अकाउंट खुलते हैं, कोई प्राइवेट बैंक कभी जीरो बैलेंस नहीं, मिनीम 10,000 उन्हों का बैलेंस है। आम जो गरीब बंदा वो कितों 10,000 की पूंजी लिया के इन्हों को अकाउंट कराएगा? तो सरकारी बैंकों प्राइवेट इसे करके करना चाहते हैं भी ये अपनी मनमर्जी लागू कर सकन, जदों की कोई भी सरकारी स्कीम होंगी है जिस तरह डीमोनेटाइजेशन है जां कोई और सरकारी स्कीम सी सबसिडीज़ ने वो सारिया साडे बैंकों के नैशनलाइज बैंकों के आदियां ने। इन्हां ने सिर्फ इन्हां दा यही मुद्दा है इन्हां नूं वेच दिओ वेच दिओ वेच दिओ, जिस तरह की इन्हां दा सिस्टम चल रहा जिस तरह असी पूर्व जोर नाल विरोध करते हैं करांगे तो करते रहांगे। अक्सर लोग बहुत सरकारी नौकरी वास्ते बहुत मेहनत करते हैं, बैंक के पेपर देने वास्ते बहुत मेहनत करते हैं, पर जे सब कुछ प्राइवेट हो गया तो नौकरियां इस सिस्टम दे नाल यही सरकार की मंशा है। देखो जो पढ़े लिखे बच्चे है साढ़े को जिन्हें भी बैंकों चाहते हैं पढ़े लिखे होंगे पेपर दे के आते हैं मैरिट के हो के आते हैं, ये सरकार उ पुराने सिस्टम लागू करना चाहती है भी अपने रिश्तेदारों बैंक के बिठा दो। तो जो साडा बेरोजगार हो नौजवान जे साडा बेरोजगार नौजवान होगा तो देश की कितने जाएगी तरक्की? मैं उस चीज़ को असी इस चीज़ को लागू नहीं होने देना चाहते। प्राइवेटाइजेशन दे असी अगेंस्ट हाँ अगेंस्ट हाँ अगेंस्ट दवांगे। फिलहाल दो दिन की स्ट्राइक है, इस तो बाद जेकर ना गल सुनी गई तो होर स्ट्राइक जी लंबी जा सकती है? जिस तरह के हूँ असी शॉर्ट नोटिस से दो दिन की स्ट्राइक की कॉल दी है तो तुसी साडा कट देख रहे हो, जे एक सरकार हजे भी अन्नी तो बोल ही रही तो असी इनडेफिनेट स्ट्राइक की कॉल देंगे जिसनों कि साढ़े जो भी इंपलाइज ने उसू 10 लाख इंपलाइज उसू पुरजोर तरीके लागू करावे। तो तुसी वेख सकते हो कि किस तरीके दे नाल केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगते हुए नज़र आ रहे हैं। कई मुलाजम जड़े ने बैंक के वो इतने मौजूद ने, ते आज ते कल दो दिन की सरकारी बैंक की स्ट्राइक दसी गई है। तो मसला यही है कि प्राइवेटाइजेशन नू लेके जिस तरीके ने हर एक चीज़ प्राइवेट हो रही है उस नू रोकते हुए केंद्र सरकार के कन्ना तक आवाज़ पहुँचाई जा रही है इन्हों वालों कि बैंक नू भी प्राइवेट ना किया जाए, तो सरकारी बैंक का लोगों भी काफ़ी मुनाफा है, इस करके सरकारी बैंक सरकारी ही रहन। कैमरामैन बॉबी देना मैं शिफाली दैनिक सवेरा टीवी लुधियाना। अलीशा बेगम एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है, रूहानी ते काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है, मेरे कीते नू कोई कट नहीं सकदा। काला इल्म करना अते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं। परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण एक सच्चाई है, वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो, लॉटरी नंबर पाओ, भावें 649 होवे जां लोटोमैक्स, 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे, अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी, जा कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो, तो हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम।
वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट सारियां थामा तो निराश होते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो जिवे चाहोगे ओवे होएगा इट्स माय प्रॉमिस इमीडिएटली रिजल्ट ओपन चैलेंज इल्मा दे माहिर ए टू जेड समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल वशीकरण ते मुठकरनी लव मैरिज सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा पक्का काम पक्का हल 101% गारंटी अष्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी झगड़ा पति पत्नी चनबन जा दुटोना मनमोणी वशीकरण करवाओ जा तोड़वाओ रुसे नु मनाओ हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।